आज हम देखते हैं कि एक बिलिंग ऐप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से सोर्स फाइल को हमने ले लिया, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, इंटीजर मेन, और यहाँ पे रख के इसको दो ब्रैकेट्स दे दिए हमने। यहाँ पे रख के हमने इनको कर दिया सी आउट लेस देन ये वाला। यार ये हमने एक फंक्शन बनाया ना, फंक्शन की टाइप बताइए। अगर हम टाइप नहीं बता रहे तो डायरेक्ट मेन भी लिख सकते हैं, फिर नीचे रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये मेन फंक्शन की हमने टाइप बताई थी कि ये जो हम रिटर्न जीरो लिखते हैं ना, तो जीरो इसको इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हम मेन फंक्शन में टाइप नहीं बताना चाहते तो सारी मेन लिख दें यहाँ पे, और इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख दें आप, फिर आपको रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे। हाँ, ये इसलिए कि हमारा प्रोग्राम स्टे करे, वरना वो डायरेक्ट एग्जिट कर जाता है। ठीक है, अब रन करते हैं यहाँ से प्रोग्राम को। तो ये देखें, बिल्कुल सही रन हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है ना। ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आता है ना, इसलिए, वरना अगर हम इसको नहीं करेंगे, देखो अभी हम प्रोग्राम को चलाएंगे ना, ये डेवलपर बंद करके डेवलपमेंट, और यहाँ से अपने फोल्डर में जाएंगे। तो ये देखिए इसकी एक्सी फाइल बन गई है, इसको डबल क्लिक करेंगे डायरेक्ट चल रहा है। ये रुक किस वजह से रहा है, सिस्टम पास की वजह से रुक रहा है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये पास नहीं करेगा असल में, फिर ये चल के बंद हो जाएगा खुद ही से, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा आउटपुट क्या आ रहा है इसका। तो भाई अब क्या करेंगे इस ऐप में, तो हम यहाँ पर डबल करके वेरिएबल ले लेते हैं, डी यू बी एल डबल, और डबल करके एक वेरिएबल ले लेते हैं प्राइस के नाम से ले लेते हैं, और इसको डायरेक्ट इनिशलाइज भी कर देते हैं। डबल करके हमने क्यू एन डी वाई के लिए ले लिया और उसको इनिशलाइज भी कर दिया। डबल करके हमने एक वेरिएबल ले लिया प्राइस क्वांटिटी डिस्काउंट, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया। डबल करके हमने एक वेरिएबल ले लिया टोटल के नाम से ले लिया, और उसको यहाँ पे असाइन भी कर दिया। सही, अब यहाँ पे एक प्रोग्राम का आउटपुट बना रहे हैं सी आउट लेस देन, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं बिजनेस बिलिंग ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे समिंग ऑन लगाया, आगे आ गए, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब साथ साथ न्यू लाइन का भी काम ले रहा है, तो यहाँ पे एंड लाइन लगा दिया और इसी को कॉपी करके इस तरह से पेस्ट कर दिया दो बार, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से सी आउट करके यहाँ पे हम ले रहे हैं लिटरल्स, लिख रहे हैं स्ट्रिंग्स रिटेल प्राइस, और यहाँ पे आगे जाके रिटेल प्राइस में प्राइस की वैल्यू को आउटपुट कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे एंड लाइन भी लगाते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर रहे हैं इसको डेटा को, और यहाँ पे इसको रख के पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेल प्राइस की जगह पे यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्वांटिटी, क्वांटिटी लिटरल्स लिखा है यहाँ पे, उस वेरिएबल का नाम लिखा है यहाँ पे, रखता है लिटरल्स कहाँ है लिख रहा हूँ और वेरिएबल कहाँ लिख रहा हूँ, दोनों पता होने चाहिए। फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने इसका लिया टोटल, टोटल ठीक है, ये लिटरल है, और यहाँ पे हमने टोटल वाले वेरिएबल का आउटपुट ले लिया, ठीक है। अब इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा हमारी ऐप का, तो ये देख लें, सही है, क्योंकि सबकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, जीरो है। अब यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अब यहाँ पे हम प्राइस असाइन कर लेते हैं, सपोज टू 120 कर देते हैं इसको, और क्वांटिटीज की कर देते हैं 30 30, और इसको रन कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये कुछ भी नहीं करेगा, 20 और 30 आ गया। अब टोटल लेने का क्या तरीका है, टोटल से पहले एक प्रोसेस बनाना होगा हमें, ठीक है, याद रखें प्रोसेस हमेशा जहाँ पे अप्लाई होता है उससे पहले करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल, और टोटल असाइनमेंट करेंगे इसके आगे, और प्राइस वाले वेरिएबल को क्वांटिटी वाले वेरिएबल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और आंसर ले लेंगे इसके अंदर, और यहाँ से इसको रन करेंगे प्रोग्राम को। तो ये देखें आंसर यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट निकालना है ना हम इसका, क्वांटिटी जब प्राइस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर यहाँ पे आएगा। बात सही हो गई, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब डिस्काउंट कैसे करेंगे इसके अंदर, डिस्काउंट अगर हमें इसके अंदर 100 रुपीज़ का करना है तो 100 की वैल्यू पास करी, इसका प्रोसेस कैसे बनाएंगे, देखिए इसका प्रोसेस कैसे बनाते हैं कि डिस्काउंट कितना किया 100 रुपीज़ का। तो पहले इस स्टेटमेंट को यहाँ पे पेस्ट करते हैं दोबारा से, ये पेस्ट हो गया, और यहाँ पे हमने लिखा डिस्काउंट, डिस्काउंट 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 ले लिया हमने यहाँ पे, और डिस्काउंट वाले वेरिएबल की वैल्यू का आउटपुट यहाँ पे इस तरह से ले लिया। तो यहाँ पे रन करके जैसे हमने रन किया एप्लीकेशन को, तो ये देखें इसके नीचे डिस्काउंट आ गया 100 रुपीज़ का, ठीक है। अब अगर आपको इसमें से साइन भी लगाना है तो ये आप यहाँ लगा सकते हैं, माइनस का एक साइन लगा दें तो वो उसकी वैल्यू के साथ वहाँ पे दिखा देगा आपको। तो ये देखिए इस तरह से माइनस का साइन भी ऐसे लग जाएगा स्ट्रिंग लिटरल्स के तौर पे। अब यहाँ पे आंसर लेना है, तो देखिए हम कैसे लेंगे,
हम दो वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं, टोटल वाले वेरिएबल को भी अपडेट कर सकते हैं और डिस्काउंट वाले वेरिएबल को भी अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल वाले वेरिएबल को अपडेट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल, टोटल असाइनमेंट, टोटल माइनस डिस्काउंट। तो जो भी टोटल की वैल्यू है उसको टोटल में से माइनस करो, टोटल की जो भी वैल्यू उसको डिस्काउंट में से माइनस करो, नहीं डिस्काउंट की जो भी वैल्यू उसको टोटल में से माइनस करो और टोटल में अपडेट कर दो। जब उसको आप अपडेट कर दोगे तो यहाँ पे टोटल की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ नजर आएगी, यहाँ पे टोटल की वैल्यू रीअसाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रीअसाइन हो जाएगी। जब रीअसाइन हो जाएगी तो अगली लाइन पे देखेंगे मैसेज हमने फिर लगाया और यहाँ पे हमने लिया नेट अमाउंट, ठीक है ना, नेट अमाउंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं या फिर डिस्काउंटेड अमाउंट लिख देते हैं, डिस्काउंटेड अमाउंट ही सही रहेगा। और यहाँ पे टोटल की वैल्यू का दोबारा से आउटपुट लेंगे। तो यही इसकी समझाने की जरूरत थी कि भाई अगर टोटल वाला वेरिएबल दोबारा एक दफा तीन दफा रीअसाइन, टोटल की इनिशियल वैल्यू जीरो थी, असाइनमेंट जीरो थी, फिर रीअसाइन हुआ यहाँ पे जो भी वैल्यू आई, फिर आउटपुट आया, फिर रीअसाइन हुआ, फिर जो भी वैल्यू हुई यहाँ पे आउटपुट आया। तो यहाँ पे देखें वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे देखिए अब आपका आंसर सही है, समझ में आ गई बात की, क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है समझ लें, क्या करना है आपने इसमें, ये करना है जैसे मैंने यहाँ पे डिस्काउंट ऐड कराया, ऐसे आपने टैक्स ऐड कराना है, टैक्स, टैक्स का वेरिएबल ऐड कराना है, उसको यहाँ एक प्रोसेस बना के टैक्स को इसके अंदर ऐड करना है, ऐड करने के बाद उसका आउटपुट लेना है टैक्स अमाउंट के साथ, ठीक है ना। जो भी टैक्स ऐड कराएंगे, 200 ऐड कराएंगे तो 200 ऐड हो जाए, 300 है तो 300 ऐड हो जाए, सही है। अब हमारा प्रोग्राम कैसा है कि हम यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस करते जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली इसको प्रोसेस करता जाएगा और आउटपुट बनाता जाएगा, सही है? समझ में आ गई बात की। एक तो टास्क आपका ये है,